पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर राजनीतिक हंगामा। प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर ममता बनर्जी हुई नाराज। आपको शोभा लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद जय बांग्ला। मंच पर जाते समय जय श्री राम के नारे लगने पर ममता हो गई नाराज। भाषण देने से कर दिया इनकार। पराक्रम दिवस कार्यक्रम में नेताजी के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया डाक टिकट। कहा नेताजी का नाम काम में पड़ते ही ऊर्जा भर जाती है। पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस के सशक्त भारत का किया जिक्र। कहा आज LAC लेकर LOC तक भारत का यही अवतार देख रही है पूरी दुनिया। विक्टोरिया मेमोरियल के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा आज अगर नेताजी देखते कि उनका भारत बड़ी महामारी कोरोना से इतनी शक्ति के साथ लड़ा। आज अगर नेताजी ये देखते कि उनका भारत इतनी बड़ी महामारी से इतनी ताकत से लड़ा है, आज उनका भारत वैक्सीन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक समाधान खुद तैयार कर रहा है। सुभाष चंद्र बोस को पीएम मोदी ने फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व कहा। कहा हमारे और आपके लिए वो जोखिम उठाते थे। विक्टोरिया मेमोरियल भ्रमण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। कहा दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो भारत को आत्मनिर्भर बनने से रोक सके। नेताजी सुभाष आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ ही सोनार बंगला की भी सबसे बड़ी प्रेरणा है। विक्टोरिया मेमोरियल से बोले प्रधानमंत्री मोदी। आज भारत के आत्म गौरव का जन्म हुआ था। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का प्रधानमंत्री मोदी ने किया दौरा। साथ में रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस का शानदार कार्यक्रम। उषा उत्थुप समेत कई कलाकारों ने बांधा समा। नेशनल लाइब्रेरी में भी पीएम मोदी ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि। सुभाष चंद्र बोस की पेंटिंग देखकर हुए खुश। नेताजी की जयंती पर पीएम मोदी की पोशाक में बंगाली संस्कृति की दिखी झलक। सफेद कुर्ते पाजामे और शॉल में नजर आए। बंगाली में ट्वीट करके पीएम मोदी ने नेताजी का किया जिक्र। कहा नेताजी भवन जाकर वीर केसरी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने का मिला मुझे सौभाग्य। ममता के सामने नारेबाजी पर बोली TMC सांसद नुसरत जहां। राम का नाम गले लगा के बोले, गला दबा के नहीं। जय श्री राम के नारे से ममता के बिफरने पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। कहा श्री राम के नारे से स्वागत को ममता कैसे मानती हैं अपमान, ये कैसी राजनीति। ममता के बोलने से इनकार करने पर BJP ने साधा निशाना। अमित मालवीय ने कहा उन्होंने महापुरुषों का किया अपमान। हरियाणा का कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ममता पर किया तीखा वार। कहा जय श्री राम का नारा ममता के लिए वैसा है जैसा सांड के लिए लाल कपड़ा। आज तक से बोली सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस। नेताजी ने देश के लिए बहुत खिंच किया लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। नेताजी's dominant emotion was his great love for his country and that superseded everything else. BJP के पराक्रम के जवाब में TMC का जननायक दिवस। बंगाल में बनेगा आजाद हिंद स्मारक। पश्चिम बंगाल में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजनीतिक मोर्चेबंदी। ममता बनर्जी ने निकाला पैदल मार्च। ममता बनर्जी ने कहा मैं पराक्रम नहीं समझती लेकिन वो देश प्रेमी थे, वो देश नायक थे। बंगाल से पहले असम के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिवसागर में 1 लाख से ज्यादा भूमिहीनों को दिया जमीन का पट्टा। असम दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने बोडो समझौते को बताया कारगर। कहा अब असम का एक बड़ा हिस्सा शांति और विकास के मार्ग पर लौटा है। नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की जमकर की तारीफ। कहा मातृभूमि की रक्षा करने वाले बहादुरों की रक्षा के लिए हम समर्पित। तीन दिन के तमिलनाडु के दौरे के दौरान कोयम्बटूर पहुंचे राहुल गांधी। चुनाव अभियान का किया आगाज, छोटे कारोबारियों से मुलाकात की। बजट से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वरिष्ठ अधिकारियों को खिलाया हलवा। 29 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र।
26 जनवरी को किसानों की होगी ट्रैक्टर परेड, कल सुबह परेड के फाइनल रूट की किसान संगठन देंगे जानकारी। भोपाल में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर चलाई लाठियां। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुनर हाट का किया उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रहे मौजूद। दक्षिण मुंबई में बाल ठाकरे की प्रतिमा का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया अनावरण, जयंती पर श्रद्धांजलि देने शरद पवार, फडणवीस समेत कई बड़े नेता पहुंचे। लालू प्रसाद यादव को एयर एम्बुलेंस लाया गया दिल्ली के एम्स, एम्बुलेंस के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए तैयारियां, आज राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल, T-90 भीष्म टैंक ब्रह्मोस समेत तमाम आधुनिक हथियारों की छलक। 26 जनवरी को सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस चौकस, भीड़भाड़ वाले बाजारों में निगरानी के लिए बनाई गई वॉलंटियर्स की टीम। कल चुशूल के मोल्डो में चीन से होगी नौवें दौर की बातचीत, कमांडर स्तर के अधिकारी होंगे इसमें शामिल। एलएसी पर विवाद के बीच वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया का बड़ा बयान, अगर चीन की सेना हो सकती है आक्रामक तो हम भी हो सकते हैं उससे ज्यादा आक्रामक। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मिली सुरंग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।